वेलकम टू गुंडास का बावर्ची खाना। आज हम आपको केरी का मीठा मुरब्बा बनाना सिखा रहे हैं, जिसके लिए हमें आधा किलो केरी चाहिए, जिसको हमने छील लिया था और इसको उबाल लिया। इसको इतना कड़क ही उबालना है ताकि ये घुले ना। ये मेथी दाना है 2 खाने के चम्मच, जिसे 1 घंटा भिगो कर हमने उबाल लिया है। इसमें पानी है, हम इसमें पानी रखेंगे। ये हल्दी है 1/2 चाय का चम्मच, चीनी है 1 प्याली, सरसों का तेल 1 प्याली, 2 खाने के चम्मच लाल मिर्ची और नमक, इतना कि ज़्यादा मीठा ना हो और ज़्यादा नमकीन भी ना। अब हम बनाने की तरकीब देख लेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा, और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारी सारी रेसिपी आपको सबसे पहले मिल सके। अब हम इसका तरीका बता रहे हैं आपको, जिसके लिए हमने एक पैन गरम कर लिया। इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे 1 प्याली सरसों का तेल डालें। चले अब मुरब्बे का तरीका देखते हैं। हमने पैन में तेल गरम कर दिया है और अब इसमें हम डालेंगे मेथी दाना। इसमें डालेंगे मेथी दाने को, हम फ्राई करेंगे मेथी दाने को। हम फ्राई करेंगे, हमने थोड़ा पानी मेथी दाने में छोड़ा था, जिसकी वजह से ये थोड़ा भूनिएगा। देखिए, हमने मेथी दाने को 2-3 मिनट पकाया है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चाय का चम्मच हल्दी, 2 खाने के चम्मच लाल मिर्ची पिसी हुई। अब हम इसको पकाएंगे, इसको भूनेंगे हम। देखिए, हमें मसाला भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे नमक, इसमें हम नमक डालेंगे अपने जायके के हिसाब से डाल सकते, और 1 कप चीनी डालें। और अब साथ ही हम इसके केरी भी डाल दें। अब केरी इतनी गल जाएगी, चीनी अपना पानी छोड़ेगी, तो केरी को जितना गलना होगा वो गल जाएगी। अब इसको हम दोबारा कवर अप कर देंगे। हमने 5 मिनट पका लिया है। अब देखिए, चीनी ने पानी छोड़ दिया है। अब इसी पानी में सॉफ्ट होगी और पकेगी। अब पानी जब तक खुश नहीं हो जाता, अब जब तक 10 मिनट अब इसको और पकाएंगे। हम देखते हैं अपने केरी का मुरब्बा। देखें, अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, और इसका शरवा जो हमने इतना ही गाढ़ा रखना है। केरियाँ देखे गल चुकी है हमारी ना, केरी भी गल चुकी है और शरवा भी हमारा गाढ़ा हो चुका है। ये तैयार हो चुका है हमारा केरी का मुरब्बा। देखिए, हमारा केरी का जो मुरब्बा था वो तैयार हो चुका है, और ये बहुत जल्दी तैयार हो गया है। बहुत मज़े का होता है। आप इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं, डबल रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। सुबह नाश्ते में पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है। इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ख़ुद भी खाएँ, दूसरों को भी खिलाएँ, और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।